नमस्कार दोस्तों, मैं जगताल सिंह नामदारी इंफ्रेक्ट चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास MR6500V राउटर आ चुका है। जी हाँ, कॉलिंग राउटर है, टिपलिंग कंपनी का है, 3 ईयर वारंटी है और ब्रांडेड है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको इस वीडियो में बताते हैं किस तरह का ये राउटर है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या इसमें बैंड लॉक है या नहीं है, और किस तरह से इसमें कॉलिंग फैसिलिटी प्रॉपरली काम करती है, और लो नेटवर्क पे और हाई नेटवर्क में आपको मैक्सिमम और लोएस्ट कितनी स्पीड आपको मिल सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम आपको एक राउटर बता देते हैं, इसमें वॉइस मेल भी लिखा हुआ है। तो VOIP जो खास बात है, जो हमारे को इंटरनेट कॉल मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारे को इसमें IP फ़ोन वगैरह भी लगाने की फैसिलिटी मिलेगी, या फिर लैंड फ़ोन में जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात है वॉइस मेल, जिसमें अगर लोग हमारे को कुछ कॉल करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो वो वॉइस सेव हो जाएगी कुछ सेकंड की या कुछ मिनट की। तो वो हम देखेंगे आखिर हम कैसे यूज़ करते हैं। मोबाइल पे तो कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन इसके साथ ज़रूर करके देखेंगे। कॉलकॉम का इसमें चिपसेट है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे को जो है ऑप्शन मिलती है। 32 डिवाइसेस तक जो है इसमें वाईफाई सपोर्ट करते हैं, और वही सारे फंक्शन है जो नॉर्मली होते हैं। बट इसमें खास बात है, ये 2.4 GHz सिंगल बैंड राउटर है, और साथ में लैन का ऑप्शन है। 3 इसमें लैन पोर्ट है, और साथ में एक वैन का पोर्ट है, और माइक्रो सिम इसमें लगती है, नैनो नहीं लगती है। और देखते हैं दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। 50 MB इसमें इंटरनल स्टोरेज भी है, जिसमें वॉइस मेल सेव होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। 150 MBPS मैक्सिमम इसमें डाउनलोड स्पीड और 50 MBPS अपलोड स्पीड है। लेकिन हमारे को क्या स्पीड देगा अलग अलग नेटवर्क में, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया में आपको टेस्ट करके बताएंगे तीनों में। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल एंटीना लगा के क्या सेटअप करते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं, और किस तरह से इसमें लैंडलाइन फ़ोन लगाते हैं, और किस तरह से इसके रिजल्ट हैं, वो सब आपको बताएंगे। ये रहा MR6500V, बिल्कुल सिमिलर टू MR6400, MR600 जो वर्जन 2 है उसके बराबर ही है। यानी कि उन्होंने बॉडी जो है सेम ही यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है एक लैंडलाइन फ़ोन का। 3 लैन पोर्ट हैं, इसमें हमारे पास एक वैन लैन भी है, और WPS रीसेट और सिम का स्लॉट, यानी कि बिल्कुल MR600 की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल। और WPS रीसेट और ऑन ऑफ का बटन भी है इसमें। तो देखते हैं इसे ऑन करते हैं, और किस तरह से इसमें फंक्शन रहेंगे, किस तरह से इसमें एक्सटर्नल एंटीना लगाया जाता है, किस तरह से कॉलिंग की जाती है, वो सारा इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। साथ में मिल जाते हैं हमारे को बड़े सही तरह के एक इनके एंटीना, 5 dBi के एंटीना है हमारे पास 2, और साथ में हमारे को एक टेलीफोन की केबल भी मिल जाती है, और साथ में हमारे को एक लैन केबल मिल जाती है, और एक चार्जर भी मिल जाता है जो कि 12V 1A का चार्जर है। तो इतना सब कुछ हमें मिल जाता है, और साथ में हमारे को एक नैनो सिम से माइक्रो सिम करने के लिए अडैप्टर भी मिल जाता है, और साथ में टेप भी मिल जाती है ताकि वो सिम जो है प्रॉपरली उसमें चिपक पाए। इतना सब कुछ हमारे को सब कुछ मिल जाता है, और किस तरह से हम सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, सेटअप करेंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। और सिम डालने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा, नैनो सिम इसमें नहीं चलती है, माइक्रो सिम चलती है, अडैप्टर मिल जाता है, और लगा के और दोबारा हम दबा के बाहर निकाल सकते हैं। चार्जर लगाएंगे, और जो चार्जर मिला था, और टेलीफोन केबल भी लगाएंगे, और इस तरह से हमारा राउटर ऑन हो जाएगा, और टेलीफोन भी हमारा काम करेगा। वाईफाई जोड़ने के लिए हम इसमें टेदर ऐप जो है टिपलिंग की, वो डाउनलोड कर लेंगे। WPS से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपको बता रहे हैं यहाँ पे, WPS वाईफाई कनेक्शन हम कर देंगे। और ऐप में जाके हम यहाँ पे राउटर में जाकर 4G राउटर सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देंगे अपने यहाँ पे। और LED लाइट हमारी ऑन है, हमने सेम वाईफाई पे जोड़ा है, और उसके बाद ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। एडमिन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट करके नया पासवर्ड रखने की ऑप्शन आएगी। वाईफाई का नाम और इसकी सेटिंग वगैरह सब हम रख सकते हैं, और इसको हम अपनी ईमेल एड्रेस जो हमने लॉगिन किया है टीदर ऐप में, उसके साथ बाइंड भी कर सकते हैं डिवाइस को, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। उसके बाद राउटर मोड पे और 4G मोड पे, दोनों मोड में हम चेक कर सकते हैं। वाईफाई कार्ड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको देखो विदाउट एंटीना जो है स्पीड टेस्ट करा रहे हैं जियो के साथ, और अब हम इसका टेलीफोन भी चेक कराते हैं आपको सेटअप करके, और आगे आपको बता इस तरह से ओपन करेंगे, और एडमिन जो पासवर्ड हमने डाला है वो ओपन कर देंगे। क्योंकि इसमें हमारे पास हमने वोल्टेज जो है अभी ऑन नहीं करके रखा है, तो यहाँ पे टेलीफोन की ऑप्शन है बेसिक में, तो यहाँ पे टेलीफोन मोड VOIP और वोल्टी है, दोनों ही मोड हम आपको चेक कराएंगे। फ़िलहाल हम जो है आपको यहाँ पे वोल्टी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल करनी पड़ रही है, तो ये हम यहाँ से इनेबल करेंगे, सेव करेंगे। जब ये ऑप्शन ऑन हो जाती है, उसके बाद हम कॉलिंग वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है ये ऑन करना पड़ता है, और वॉइस मेल बॉक्स भी हम ऑन कर सकते हैं, जिसमें कोई हमारे को फ़ोन करेगा तो वो, इसमें 50 MB की स्टोरेज है, तो कुछ सेकंड के जो है यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएंगे, वॉइस रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होता है ये सब कुछ।
तो सही ढंग से आवाज़ आ रही है, वॉल्टी फंक्शन काम कर रहा है हमारा, इस तरह से कॉल होती है। अब हम यहाँ से कॉल करते हैं यहाँ पे, तो इमीडिएट कॉल हो जाती है और यहाँ पे देखिए कुछ लाइट भी आती है और साथ में यहाँ पे हमारा नंबर भी आ रहा है। और हेलो, तो इस तरह से कॉलिंग की आवाज़ साउंड वगैरह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो वॉइस मेल को ज़रा देख लेते हैं भी किस तरह से यूज़ करना है। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टेलीफोन के कुछ फ़ीचर इन्होंने गाइड हमारे को दिए हैं, जिसमें कुछ कोड हैं जिसमें हम उनको दबा के कुछ मतलब कर सकते हैं। देखिए, लिसनिंग टू योर वॉइस मेल ऑन द रोड, अगर हम अपना एक पिन कोड इसमें सेट करेंगे तो हम कहीं से भी बाहर से भी जो है अपने जो हमारे वॉइस मैसेज होंगे वो हम लिसन कर सकते हैं। तो उस शुरू करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ये पूरा पैकेज है। स्टार्टिंग यहाँ से आप वॉइस मेल पे सेटअप है, गो टू एडवांस टेलीफोनिक वॉइस मेल, इनेबल वॉइस मेल, जो कि आपने देखा यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया है। तो लिसनिंग टू द योर वॉइस मेल एट होम, अगर हमने घर में वॉइस मेल को सुनना है तो देर इज़ टू वेज टू लिसन द वॉइस मेल एट होम ऑन योर फिक्स्ड टेलीफोन जो कि हमने यहाँ पे लगा के रखा है 20। तो यहाँ पे जब हम 20 करेंगे, यू हैव नो मैसेजेस, अभी हमारे पास कोई भी वॉइस मेल मैसेज नहीं है। गो टू मेन्यू एडवांस टेलीफोन वॉइस मेल सेटिंग, जो कि हमने इनेबल कर दी हुई है, ठीक है, वहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्ले का बटन भी दिया हुआ है, वो सब ऑप्शन हम कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे फंक्शन जो है इसमें हमारे को मिल जाते हैं। एग्जांपल भी इन्होंने बताया, ब्लॉक इनकमिंग कॉल, जो भी नंबर सेव नहीं किया उसको भी हम जो है बंद कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर भी हैं, अगर मान लो इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी नंबर पे 1 पे भी 2 पे भी हम जो है सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे 3-way कॉन्फ्रेंसिंग भी है, कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें हो जाती है। 30 रिकॉर्ड अ ग्रीटिंग फॉर योर वॉइस मेल, ठीक है, उसके लिए ग्रीटिंग के लिए भी हम वॉइस मेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी तो वेलकम, आपने जो मैसेज बोलना है वो आप बोल सकते हैं और एंड कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने जो है वेलकम मैसेज भी रिकॉर्ड किया। तो रिडायल करने के लिए *68 है, रिडायल करो और पिक अप द फोन रिसीवर एंड लास्ट डायल नंबर। वैसे तो रिसीव का बटन है, कई फ़ोन में आर बटन नहीं होता तो उनके लिए इन्होंने बताया है। उसके बाद *69 कॉल बैक का ऑप्शन है, 78 करने के लिए इमरजेंसी नंबर है, 78 करने के लिए डिसेबल इमरजेंसी नंबर है, 80 करने के लिए ब्लॉक अनोनिमस कॉल्स, सभी कॉल्स ब्लॉक करने के लिए *#80#, तो कॉल्स नहीं आएंगी फिर हमारे को। 81 से हम जो है अनोनिमस हटा देंगे, डिसेबल कर देंगे। उसके बाद *86 इनेबल डू नॉट डिस्टर्ब, तो *99 जो लिखा है ऑटोमेटिकली डायल, अगर कोई नंबर बिजी होता है तो उसको दोबारा डायल करने के लिए हम ये बटन दबा सकते हैं। *96 *1 वाईफाई डिसेबल कर देता है, *960 डिसेबल वाईफाई, इनेबल डिसेबल कर देता है *96 *1। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन ये, मतलब बहुत ही अच्छा जो है राउटर है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है। तो मेन जो फंक्शन है वो हमारा वॉइस मेल में हम मैसेज कैसे भेजेंगे उसमें देख लेते हैं एक बार, शायद हम अगर कॉल करेंगे और कॉल नहीं उठाएंगे तब शायद वॉइस मेल मैसेज जाएगा। तो ट्राई करते हैं यहाँ से एक बार कॉल करने की और कॉल नहीं उठाते हैं। तो भाई यार हमारे को फ़ोन कर लेना, ज़रूरी को बात है और हम कर रहे हैं यहाँ पे वॉइस मेल मैसेज रिकॉर्ड। तो इस तरह से मैसेज रिकॉर्ड हो गया भाई, अब सुना भी देना उनको ये बात। वाह भी वाह, सो फ्रेंड्स इस तरह से वॉइस मेल मैसेज रिकॉर्ड हो चुका है और हमें सुनने के लिए *20 कुछ फंक्शन हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या खास बात है। और टेलीफोनी में बात कर लें हम, तो यहाँ पे टेलीफोन मोड तो हमने ऑन कर लिया था, आपको बताया था हमने। तो जैसे वॉइस मेल जो है हमने ऑन की थी यहाँ पे, तो हमारे पास जो वॉइस मेल का जो ऑप्शन है यहाँ पे
एक फाइल जो है यहाँ पे बन चुकी है, इसे हम प्ले भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे को फोन कर लेना, जरूरी का बात है और हम कर रहे हैं यहाँ पे वॉइस मेल मैसेज रिकॉर्ड, तो इस तरह से मैसेज रिकॉर्ड हो गया भाई, अब सुना भी देना हमको ये बात। वो वॉइस मेल हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी किस नंबर से कॉल आई थी, फ्लैश और इनकमिंग आउटगोइंग नंबर, ड्यूरेशन सब कुछ जो है प्रॉपरली यहाँ पे सेव हो चुका है। मल्टीपल्स वॉइस मेल लिस्ट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब बात की जाए यहाँ पे VOIP, तो VOIP भी हम ट्राई कर लेते हैं, VOIP किस तरह से काम करता है। तो VOIP इनेबल करने के बाद ये ऑप्शन हमारे को मिल जाती हैं, जिसमें हमें टेलीफोन प्रोवाइडर, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रार, एड्रेस, ऑथेंटिकेशन ID, पासवर्ड सब डालना पड़ता है हमारे राउटर में। उसके बाद जो हमारा टेलीफोन लैंडलाइन फ़ोन जो हमने राउटर के साथ जुड़ा है उसमें हम कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं इस तरह से कॉल हमारे फ़ोन पे रिसीव हो रही है। ये हमें एक टेस्ट रिपोर्ट भेजी है, कोई BSNL में है हमारे आसाम से कोई फ्रेंड, तो उन्होंने हमारे को पूरा BSNL विंग्स की ऐप जो है किस तरह से यूज़ करनी है वो सारी सर्विसेज हमारे को भेजी है। और अब जो है मोबाइल पे हमारे को विंग्स ऐप को यूज़ करके बताया गया है, जिसमें BSNL विंग्स में हम अपनी ID पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और एक्टिवेट करेंगे अकाउंट। और फिर उन्होंने हमारे को कॉल की थी और उसमें भी हमने वॉइस रिकॉर्ड करके आपको बताइए किस तरह से क्वालिटी आती है। VOIP सर्विस आपको बता रहे हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। हेलो, हेलो सर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। ऐप से ही कॉल किया है और जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, तो ये मोबाइल से था, अब मैं आपको नेक्स्ट ऐप से कॉल करके फिर हम टेस्ट करेंगे। और इस तरह से आपने देखा मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम कॉल पार कर पा रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है सबको यूज़ करने के लिए। और फिर हम एक्टिवेट, तो हमारा अकाउंट था उसे डीएक्टिवेट कर देंगे ताकि वही यूज़र नेम पासवर्ड हम कहीं और किसी और ऐप में यूज़ कर सकें। और जोए पर एक ऐप है, वो लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ से हम कॉल करेंगे अपने नंबर पर। तो आइए बताते हैं आपको किस तरह से हमने कॉल करके बताया है। हाँ सर, ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ना, इसका भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप से आपको कॉल कर रहा हूँ, ये वीडियो बन जाएगा। ठीक है सर, मेरा भी यहाँ पे कैमरा ऑन है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ओके, इसको फिर मैं पोस्ट करके इसका मैं वीडियो बन रहा हूँ। ठीक है सर जी, ठीक। तो कॉल करते हैं भाई को। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, आप मैंने आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं मुझे, और मुझे कॉल मिल गई है अपने लैपटॉप पे। ठीक है, आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, मतलब आपके पास इंटरनेट होना ये जरूरी नहीं है ना, आप नॉर्मल अपने मोबाइल नेटवर्क से कॉल कर रहे हैं जी, और आप ऐप के थ्रू यूज कर रहे हैं उसको। मैं अपने लैपटॉप में इंटरनेट के थ्रू या कोई भी ब्रॉडबैंड के थ्रू मैं उसको यूज कर रहा हूँ, यानी कि मोबाइल टू इंटरनेट कॉल भी हो सकता है विदाउट, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों तरफ इंटरनेट हो। और हमारे पास जो वॉइस मेल मैसेज है हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अब मैसेज डिलीट भी हो जाएगा। और एडवांस में चले जाते हैं कुछ फंक्शंस देखने के लिए, ये सब कुछ फंक्शन है नॉर्मल। SMS वगैरह भी प्रॉपरली हम यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन गेस्ट नेटवर्क भी है, और प्रॉपरली हम वाईफाई का नाम और टाइमिंग डोमिंग सेट कर सकते हैं, सब कुछ अलग से भी दो हम अपना वाईफाई का दो कर सकते हैं नाम। QoS भी है इसमें, लोकल नेटवर्क में किस नाम से जो है देना है, किसको नहीं देना है। और VPN की सेटिंग भी है इसमें, अगर हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपना हमारे सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने नेटवर्क को, इनकी आप 4G सिम से ही अपने ऑफिस के नेट को VPN कई यूज़ करते हैं ऑफिस का वर्क के लिए, उनको कंपलसरी होता है, तभी उनकी वेबसाइट खुलती है इंटरनेट पोर्टल, तो इस तरह से वो भी ऑप्शन है इसमें। तो बहुत अच्छे फंक्शन है इसमें, हमारे को बैंड लॉक भी मिल जाता है। एडवांस में चले जाएंगे और नेटवर्क में इंटरनेट पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सर्च की ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे बैंड 3 और बैंड 40 जो है लॉक करके रखा है, आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर बैंड और यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें APN एड्रेस मैनुअली सेट करना पड़ा था, आप भी कर सकते हैं, APN सेटिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारी सेटिंग्स ही, अच्छा राउटर है, USSD कोड वगैरह भी जो है प्रॉपरली हम इसमें चला सकते हैं। देखिए सो फ्रेंड्स, MR6500V के टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। संदीप जी ने काफ़ी दिन लगाए, बहुत सारे टेस्ट किए, वोल्टी कॉलिंग ये वो सारे टेस्ट आप देख सकते हैं, आप पूरी वीडियो में आपने देखे। मुझे आशा है अब आपको वोल्टी राउटर बेस्ट लेने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये बेस्ट राउटर रहा आज तक वोल्टी में हमारा, जिसमें बैंड लॉक भी है, एक्सटर्नल एंटीना सेटअप भी है, और कंपनी का है वॉइस मेल, और बहुत सारे मज़ा आ गया अभी जैसे बोलते ना। और अब हम आपको थोड़ी रिपोर्ट बता रहे हैं इसकी, टेस्ट रिपोर्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन में हमारे को बिना कुछ किए ही देखो 14-15 MBPS की जो है हर एक बैंड में स्पीड मिल रही थी, और बैंड
और सिग्नल देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा था। इसमें जो एंटीना की पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो भी एंटीना हम लगाएंगे इसके साथ बहुत कंपेटिबल है सभी एंटीना। एयरटेल सिम के साथ आप दे सकते हैं, मिनिमम स्पीड भी आप दे सकते हैं 2 Mbps डाउनलोडिंग और 13 Mbps अपलोडिंग, जबकि बैंड 40 में 6 Mbps डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 0। और सिग्नल भी आप साथ साथ दे सकते हैं, और एयरटेल के सिम के टेस्ट हैं, और बैंड में देख सकते हैं आप बैंड 30+40 तीन का भी किया और 40 का भी टेस्ट किया होगा, उसमें दोनों को सेलेक्ट करके रखा था, मतलब फिर पता नहीं कौन सा सेलेक्ट हो गया होगा। तो उसमें बैंड 3 ही है क्योंकि अपलोडिंग स्पीड बैंड 3 में ही ज़्यादा मिलते हैं, तो 1 Mbps की डाउनलोडिंग और 12.5 Mbps की अपलोडिंग मिली, 69 dBm तक सिग्नल मिला। और जियो में भी आप मैक्सिमम स्पीड देखिए 17 या 23 Mbps तक डाउनलोडिंग भी आई हमारे पास, 2 Mbps की अपलोडिंग, और मिनिमम जो है काफ़ी अच्छी जो है सब जगह ही डाउनलोडिंग अपलोडिंग अलग अलग बैंड में अलग अलग रहती। देखो कहीं पे जो है हमारे को 3 Mbps की डाउनलोडिंग, कहीं पे हमारे को अपलोडिंग 2 Mbps की, तो कहीं पे डाउनलोडिंग 23 Mbps भी। तो ये बैंड का फ़र्क है, आप भी बैंड लॉक कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी वालों ने सॉफ्टवेयर में ही दिया हुआ है बना के, और प्रॉपरली आप फिर अच्छी डाउनलोडिंग अपलोडिंग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर्स होते हैं टेबलिंग के, सभी राउटर्स में मिल जाएंगे। और वोल्टी राउटर में आपने देखे बहुत खतरनाक फीचर हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो देखी आपने वो है वॉइस मेल, साथ में VOIP। VOIP में हम स्पेशल जो है सभी मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर में सब जगह मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के आपस में कॉलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं या हमारे फ्रेंड हैं समझ लो, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली अपने पूरे सेटअप करके बताया है किस तरह से एक रजिस्टर करते हैं VOIP में और किस तरह से कॉलिंग करते हैं, उन्होंने कॉल करके भी बताया है। और BSNL विंग्स स्पेशल ये सर्विसेज पेड सर्विसेज में जो है देता है लोगों को, मतलब और इस राउटर के साथ जो है वो इनबिल्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राउटर के साथ ही लैंडलाइन फ़ोन लगा के वो सर्विस VOIP सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप चाहे मोबाइल पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे भी सॉफ्टवेयर डाल के फिर कॉलिंग कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इतने ख़तरनाक चीज़ें भी हैं इस राउटर में और बहुत ही एडवांस फंक्शन है। वॉइस मेल से तो मेरे को मज़ा ही आ गया, और आपको मैंने टेस्ट रिपोर्ट भी बताई। सो फ्रेंड्स आपने देखे बहुत सारे टेस्ट हमने आपको बताए, बहुत अच्छी स्पीड इसके साथ ले सकते हैं, ये लो कवरेज में भी काफ़ी अच्छा काम करता है विद एंटीना, विदाउट एंटीना नहीं, और एंटीना हमारे को 2 लगाने पड़ते हैं लो कवरेज हो तो। हाँ अगर शहर वगैरह में है तो 1 एंटीना से भी काम बनता है, लेकिन अगर गांव में ले रहे हैं जहाँ पे 110 dBm सिग्नल से कम हो जाता है सिग्नल, तो वहाँ पे आपको 2 LPDT एंटीना 12 dBi का और 1 Yagi 12 dBi का एंटीना लेना चाहिए, बहुत अच्छा गेन होता है उससे। दोनों को हमने भी यहाँ पे टेस्ट किया तो बहुत अच्छी स्पीड भी आई, देखिए 16 Mbps भी जो है नॉर्मली इसके साथ आई, और बहुत मज़ा आ गया हमारे को, राउटर जो है दिल खुश वाला था। और अगर आप कॉलिंग के साथ बहुत अच्छे फीचर के साथ जो है राउटर लेना चाहते हैं तो ये राउटर बेस्ट है, क्योंकि इसमें बैंड लॉकिंग भी है, एंटीना सेटअप भी है, और फीचर्स तो आपने देख लिए। और प्राइस सिर्फ इसका 6000 रुपये है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपको बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।